अज बठिंडा दे जनता नगर विखे श्रोमणी अकाली दल दे उम्मीदवार सरूप चंद सिंगला वालों की गई एक नुक्कड़ मीटिंग। इस मौके सरूप चंद सिंगला ने बोलदिया कहा कि वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल का लगातार शहर के विरोध हो रहा है क्योंकि उन्होंने वालों किसी भी तरह का कोई विकास नहीं किया गया, सिर्फ विकास उन्होंने अपने घर का ही किया जिसन लैके उन्होंने काफ़ी उन्होंने इल्जाम लाए। उन्होंने बोलदिया कहा कि जो भी विकास होया उन्होंने वालों अपने घर का विकास ही किया गया, शहर के लोगों ने विकास नहीं किया गया। लोगों का उन्होंने काफ़ी रिस्पोंस मिल रहा है तो वह चंगी लीड से बठिंडा तो जित प्राप्त करेंगे। तो देख रहे हो तस्वीर बठिंडा के जनता नगर दियाँ जिते श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार सरूप चंद सिंगला वालों लोगों के नाल एक नुक्कड़ मीटिंग रखी गई है। तो इतने उन्होंने वालों उन्होंने काफ़ी रिस्पोंस मिल रहा है, काफ़ी लोगों वालों उन्होंने विश्वास दवाया जा रहा है कि वो इस बार श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार को ही जिता के इस बार बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा रिस्पोंस चल रहा है। वर्करां दे विच बहुत वड्डा उत्साह है, लोगों के भी बड़ी अच्छी आवाज़ श्रोमणी अकाली दल के प्रति आ रही है। और मैं कह सकता कि इलेक्शन की जिहड़ी कंपेन है वो बहुत वधिया तरीके चल रही है, क्योंकि कंपेन उदों वधिया तरीके चल रही है जदों लोगों का रिस्पोंस मिलता है। कंपेन वधिया चल रही है, रिस्पोंस बहुत वधिया मिल रहा, रिजल्ट बहुत सोहना आऊगा। और जिहड़ी असी सेवा पिछले 15 सालों के विच कीती है तो इस शहर की डिवेलपमेंट हुई है। असी आने वाले टाइम के लोगों को विश्वास है कि श्रोमणी अकाली दल दे सरकार ही साडे इस एरिया का विकास करा सकती है, और इस करके लोग जो है बहुत वड्डी गिणती श्रोमणी अकाली दल दे नाल जुड़ रहे हैं। जे आपां मुकाबले दी गल करिए, मुकाबला किसे किसे दा लग रहा? मुकाबला कांग्रेस दे नाल है, तीनों कांग्रेसी है, होर तां पार्टी है नहीं। राज नंबरदार भी कांग्रेस चों है, तो जगरूप गिल भी कांग्रेस चों है, तो मनप्रीत भी कांग्रेस चों है। सरकार की गल करिए, कितनी सीटां दे नाल सरकार बण? बहुत बहुमत नाल सीट बण रही है। देखो एक गल बड़ी क्लीयर गल हैगी है कि अज जिहड़ा आप पार्टी है जिहड़ा सर्वे तैयार कराया है उस चैनल ने सर्वे तैयार कराया जिन्हें करोड़ रुपये की ऐड हमेशा दी जा रही है, तो उस सर्वे बनी उस तरह बाकी चैनलों को करना एक प्लानिंग के तहत किया जा रहा है। मनप्रीत भी अपना सर कह रहा है भी मैं शहर का बहुत ज़्यादा विकास किया है। हाँ, मनप्रीत ने बहुत बड़ा विकास किया नशियां दे विच, मनप्रीत ने बहुत बड़ा विकास किया भ्रष्टाचार, मनप्रीत ने बहुत बड़ा विकास किया आपदे खजाना भरन लई, लोगों से खजाना खाली रहा तो यदा खजाना भरता रहा। और मैं कह सकता कि एक भी चीज़ मनप्रीत बादल ने दी हो बठिंडे तो असं कह सकते देन की बजाय बठिंडे का थर्मल खोया, देन की बजाय लोगों कुटिया, साड़िया धियां भैनों के डंडे चलाए, वाल पट्टे है, बसों के वाड़ के मुलाजमान कुटिया गया जिन्होंने हक मंगया। तो मैं कह सकता कि छेवा पे कमीशन ने देना सी ते दित्ती कुट है, लुटिया तो कुटिया शहर नूं इहदे साले ने। जिहड़ा हैगा हुण जिथे मनप्रीत बादल जा रहा है उन्हां दा परिवार जा रहा है तो लोगों का बहुत वड्डा विरोध देखा जा सकता है। ये तो पता लगता कि मनप्रीत बादल ने जो इहदी करनी है वह फल इन भुगतना पैना। साले की क्यों इन्नी शहर के अंदर चलती सी, क्योंकि वह तो एक अहुदेदार भी नहीं सी किस तरह साले की पैसे इकट्ठे करना से रखा हुआ तो सारा कुछ ही सी, MLA भी वो सी, SSP भी वो सी, कमिश्नर भी, हर गल जिहदे मर्जी परचा दे दो, जिहदे मर्जी छड़ा दो, जी तो पैसे ले लो, जिहनू मर्जी काम कर दो, जिहनू मतलब सारा कुछ उत्थे ही चलता रहा। ये सारा कुछ मनप्रीत बादल ने उन्हें अगे ला के कराया, तो बठिंडे ने जिहड़ा कुटाया लुटाया मनप्रीत ने लुटाया। बड़ी शहर की अफवाह चल रही है भी ये भी अपना बादलों ने मिले मनप्रीत किस तरह तुम देख? कोई मतलब नहीं है, ये कला करप्ट भ्रष्ट राजनीति का जनक है। यह ऐदू गप्पी ते ऐदू घटिया राजनीति करने वाला इंसान मैं अज तक नहीं देखा। अज भी ये करप्ट हथ बंडे वर्गे एक किसी तरीके नाल बादल परिवार दे जुड़े होने की गल करता है, जदों के बादल परिवार बहुत ईमानदारी नाल मेरी वड्डी मेरे नाल खड़े कंपेन खड़ी कर रहा और बहुत वड्डा समर्थन ते बहुत वड्डा आशीर्वाद लोगों को सानू मिल रहा है। साढ़े जी मुद्दे हैगे है लोगों की पिछले 15 साल की सेवा, बठिंडे की डिवेलपमेंट, ना कोई घपला, ना कोई परचा, ना कोई कब्जा, ना किसी इस तरह की चर्चा जिहदे नाल साढ़े समाज को नुकसान होवे, वो सारी चीज़ां ने जिहड़ियां लोगों जागरूक
जे तुसी चाहते हो कि हर तरह की खबर ताड़े तक पहुँचे तो मेरे चैनल सबसक्राइब करो और घंटी नू ऑल ते करो।